So elements of cost are total six: direct material, direct wages, direct expenses, and indirect material, indirect labor, that is indirect wages and indirect expenses, जिसको हम overhead के नाम से पहचानेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आगे जाके आपको काम आएगा, आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे एलिमेंट्स ऑफ। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट सेंटर। अभी हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड सम टर्मिनोलॉजी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे विल बी यूजफुल इन द कमिंग नेक्स्ट चैप्टर्स। तो सबसे पहले समझना है कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट एलिमेंट हमने समझ लिया है, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। तो देखो, कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन होता है, या तो कोई पर्सन होता है, या तो कोई आइटम, या तो कोई इक्विपमेंट, या तो कोई प्रोडक्ट होता है, फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन। तो कॉस्ट सेंटर इज नथिंग बट कॉस्ट सेंटर इज अ पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे कि वी आर ट्राइंग टू नो कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ ए सेल्स डिपार्टमेंट, और इट मे बी द पर्टिकुलर पर्सन, सेल्समैन, फॉरमैन, उसके रिलेटेड कॉस्ट, और इट मे बी एन आइटम लाइक लेथ मशीन, दिस आर द वन टाइप ऑफ मशीन विच इज यूज इन द फैक्ट्रीज, डिलीवरी वैन, और अ ग्रुप ऑफ दोज इक्विपमेंट, मीन्स टू और मोर मशीन्स, टू और मोर फॉरमैन। सो इनको कॉस्ट सेंटर कहा जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द कॉस्ट सेंटर। सबसे पहले तो आपके माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट सेंटर है क्या। तो आपको इतना याद रखना है कि कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन होता है, कोई डिपार्टमेंट होता है, या तो कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, या तो कोई आइटम, या तो कोई इक्विपमेंट होता है, या तो उनका ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ लोकेशन, और ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स, दे आर नोन एज कॉस्ट सेंटर। क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट सेंटर जानने का। तो द कॉस्ट सेंटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटेंट सेट अप द कॉस्ट सेंटर टू एनेबल हिम टू एसर्टेन द कॉस्ट। The manager in charge of cost center is held responsible for the purpose of cost control. And the size and the number of cost center are dependent upon the amount of expenditure and requirement of management for cost control. तो देखो, cost center decide करने से क्या होगा, आप cost को control कर पाओगे। जैसे कि एक cost center हमने decide किया production department, that means the factory. तो उस फैक्ट्री का एक हेड होगा फैक्ट्री मैनेजर, एंड दैट फैक्ट्री मैनेजर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि पर्सन, कॉस्ट सेंटर अगर आप किसी पर्सन को डिसाइड करते हो, जैसे कि फॉरमैन या तो सेल्समैन, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। सो इसी तरीके से कॉस्ट सेंटर डिसाइड करने से क्या होगा, वी कैन पुट कंट्रोल ऑन द कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट सेंटर, दिस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अब आप कितने कॉस्ट सेंटर डिसाइड करोगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, amount of expenditure in that particular cost, particular cost center, and keeping this in mind you will decide the number of cost centers. तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। Can anyone tell me what is cost center?
Yes, please. Anyone? What is cost center? जैसे हम प्रोडक्शन के लिए जो जो आइटम को यूज कर रहे हैं, और लोकेशन हो गया या आदमी हो गया, मशीनरी हो गई, इसके कॉस्ट को मतलब कैलकुलेट करके उस पे रोक लगाना, मतलब जहां तक उसको कम कर सकते हैं. यस, तो कॉस्ट सेंटर डिसाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है? टू कंट्रोल द कॉस्ट. जैसे कि किसी पर्सन को आपने ले लिया, इफ एनी पर्सन इज जैसे कि फॉरमैन या तो सेल्समैन या तो सुपरवाइजर, अगर इसको कॉस्ट सेंटर आप डिसाइड करते हो, सो दैट पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट. ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट सेंटर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट यूनिट. दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच वी मस्ट बी अवेयर अबाउट. Once you are aware about all this, then the coming chapters would be easy for you. So, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि cost center से हम cost control कर सकते हैं, because that particular person would be responsible for that. So, cost center helps in ascertaining the cost by location, by equipment or person. आपने cost center decide कर दिया है, तो आपको ये पता चलेगा कि particular department की कितनी cost आ रही है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट के पीछे क्या कॉस्ट आ रही है, और पर्टिकुलर पर्सन के पीछे कितना कॉस्ट लग रहा है. जैसे कि फॉरमैन के पीछे कितना एक्सपेंस हो रहा है, जो लोग प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं और मशीनरी के साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में डायरेक्टली जो रिलेटेड है, उनके पीछे कितना डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट आ रहा है. द कॉस्ट यूनिट इज फर्दर स्टेप विच ब्रेक्स अप द cost into smaller subdivisions and helps in ascertaining the cost of sellable product or service. So cost unit kya hota hai? It is the cost of manufacturing one unit of a product, or it is the cost of manufacturing or providing service. So cost unit is a unit of a product or unit of a service or a time in relation to which cost may be ascertain. आगे जाके हम कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हम पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करेंगे. अगर आपने कॉस्ट सेंटर डिसाइड कर दिया है, तो कॉस्ट सेंटर से आपको सारे कॉस्ट के डेटा मिल जाएंगे पर्टिकुलर सेंटर के. यू विल बी ऑल्सो हैविंग द डेटा ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, एंड वेन यू विल डिवाइड द टोटल कॉस्ट विद द टोटल प्रोडक्शन, यू विल गेट अ पर यूनिट कॉस्ट of a particular product. जैसे कि एक example दिया है आपको समझाने के लिए, the cost of steel is ascertained in terms of cost per ton. अब steel को आप per ton में measure करोगे, तो इसका क्या हो गया? Cost unit हो गया. Suppose I am involved in the dairy business, milk providing. जैसे कि बड़ौदा डेयरी है, तो वहां पे कॉस्ट यूनिट क्या होगा? पर लीटर. पर अगर स्टील इंडस्ट्री है, तो कॉस्ट यूनिट क्या होगा? पर टन. अगर आप ट्रैवलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जैसे कि हमारी कॉलेज में आप देख सकते हो कि डिफरेंट बसेस आर रन, तो एक स्टूडेंट को बड़ौदा से आईटीएम कॉलेज तक ले जाने का कॉस्ट क्या आएगा? तो वहां पे पर किलोमीटर कॉस्ट फाइंड करेंगे हम, तो ये कॉस्ट यूनिट हो गया. अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट यूनिट आर गिवन बिलो. जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज है, तो उसमें पर टन सीमेंट कॉस्ट कितना आया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो पर मीटर कॉस्ट कितना आया? पावर मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेटिंग यूनिट है, तो पर किलो वॉट आवर कितना कॉस्ट आ रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टू व्हीलर फोर व्हीलर बना रही है,